सपा ने ओम प्रकाश राजभर को बताया पेंडुलम। मंत्री न बनाए जाने की वजह का भी किया खुलासा। राजभर क्यों साध रहे अखिलेश यादव पर निशाना। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर हाल ही में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ ही उन्हें कई मौकों पर समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए देखा गया है। इसी बीच उन्होंने घोसी विधानसभा उपचुनाव से पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसे लेकर अब समाजवादी पार्टी भी पलटवार कर रही है। ओम प्रकाश राजभर के एक बयान का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि आज की तारीख में ओम प्रकाश राजभर की स्थिति पेंडुलम की तरह हो गई है। वह रोज दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली आ जा रहे हैं, उसके बावजूद न खुद मंत्री बन पा रहे हैं और न बेटे को मंत्री बनवा पा रहे हैं। फखरुल ने ओम प्रकाश राजभर को बीमार बताया और कहा कि राजभर बीमार, हताश और निराश हैं। इस वक्त उनके साथ समाजवादी पार्टी की पूरी सहानुभूति है। ओपी राजभर के ऊपर ये पलटवार उनके अखिलेश यादव के ऊपर दिए गए बयान के बाद सपा ने किया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि अखिलेश यादव को वह सिपाही वापस पहुंचाएंगे और अगर वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वह अपने माँ बाप के असली बेटे नहीं हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के पहले ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ उनके गठबंधन का हिस्सा थे और इस गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर ने अहम रोल अदा करते हुए तमाम छोटे छोटे दलों को भी सपा के साथ गठबंधन कराने में अहम भूमिका निभाई थी। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता से काफी दूर रही, लेकिन राजभर का फायदा समाजवादी पार्टी को जरूर मिला। चुनाव खत्म होने के बाद अलग अलग समय पर ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से नाराज दिखे। उनका कहना था कि अखिलेश यादव बिना किसी चर्चा के फैसले ले लेते हैं और गठबंधन के साथियों का सम्मान नहीं करते हैं। चुनाव के तकरीबन एक साल बाद ओम प्रकाश राजभर ने अपनी राहें अलग कर ली और दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए का हिस्सा बन गए। एनडीए के साथ आने के बाद राजभर मुकर होकर अखिलेश को घेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।